प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आपको रियल स्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस के साथ साथ रियल स्टेट में ट्रेनिंग और फाइनेंशियल एडवाइस देने का भी काम करता है। दोस्तों, मैं हूँ राजवंत सिंह वाली, रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का जो टॉपिक है, जनरल टॉपिक है, रियल स्टेट से हटकर टॉपिक है, वांट सक्सेसफुल लाइफ। क्या आप कामयाबी वाली जिंदगी चाहते हो? यदि हाँ, तो फिर आपको किन चार बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले लिखा है मैंने, डोंट इग्नोर द ट्रूथ। कोई भी जो सच्ची बात है उसको सुनने की आदत डालें। ये नहीं कि जो बात आपको अच्छी लगती है वो सुननी है, जो भी सच्चाई है उसको सुनने की आदत डालें, उसको अपने अंदर जज्ब करने की आदत डालें। गुरबाणी की तुक है, जे को खावे जे को पूछे तिसका होए उधारो। उनका उधार होता है, उनकी कामना पूरी होती है जो खा कर और उसको पचा लेते हैं। किसको? सच्चाई को। ये सच्चाई, आपको सच्चाई को इग्नोर नहीं करना। जब आपके सामने सच्चाई है तो बिल्कुल आपने खिले मथे के साथ उसको स्वीकार करना है। दूसरे नंबर पर, डोंट वांट सपोर्ट टू योर ओन बिलीफ। अपने जो विचारधारा है उसी को हमने सपोर्ट नहीं करना है। यही नहीं चाहना लोगों सामने वाले से कि वो उसी हमें हम लाए जो मैं कह रहा हूँ। नहीं दोस्तों, यदि आप इस तरीके के आपका एटीट्यूड होगा कि लोग आपके विचारों से सहमत हो के लोग आपके विचारों को ही सपोर्ट करें, तो वो लोग आपके दोस्त नहीं हो सकते, आपके चमचे हो सकते हैं। आपने चमचों से बचना है। यदि आप कहीं इसी ऐसी पोजीशन पर हो कि आपके लोग इर्द गिर्द घूम रहे और आपकी वहाँ में हम मिलाना चाहते हैं, मिला रहे हैं, तो ये समझना कि वो आपके दोस्त नहीं, वो किसी न किसी मतलब के लिए आपके पीछे लगे हुए हैं। सो आपने ऐसी सपोर्ट नहीं चाह अपने उसके विचारों की चाहनी कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आई। आपने बल्कि हो सके तो उसको क्रॉस चेक करना है कि जो आदमी मेरे साथ बार बार लगा हुआ है, बार बार मेरे से ऐसी बातें कर रहा है, क्या इसका कोई मतलब तो नहीं है बीच में। जजमेंट करनी है, जरूर जजमेंट कर लेनी है। यदि आप इस बात का ध्यान रखोगे तो भी आप ग्रो कर सकते हो, ग्रोथ करने के, आपके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगला जो मैंने लिखा है, डोंट वांट टू फील गुड इन एवरी कंडीशन। भाई, आप किसी के साथ मीटिंग कर रहे हो, किसी के साथ कोई बात कर रहे हो, किसी के साथ वैसे मतलब जा रहे हो, तो ये महसूस नहीं करना कि सामने वाला बंदा वही बात कहे जो आपको अच्छी लगे। भाई, उसके मुंह में आपकी जुबान नहीं है। यदि उसके मुंह में आपकी जुबान होती तो फिर वो ऐसी बातें बोलता जो आपको अच्छी लगती। लेकिन यदि वो नहीं बोलता तो उसकी बातों को ध्यान से सुनना है, उसकी बातों का पड़चोल करना है, उसकी बातों को एनालिसिस करना है कि क्या ये बंदा जो बात कह रहा है ये ठीक है। यदि वो ठीक है तो आपने उसके पीछे लग जाना है, उसकी बात मान लेनी है। नहीं तो बिल्कुल आप सतर्क हो जाना है कि ये बात ठीक है या ये बात गलत है। डोंट विश डाइजेस्टिव कन्वर्सेशन ओनली। भाई, आप ये नहीं 24 घंटे सोचना कि हमें हमारे कानों को आदत डालो कि वो हमें वही चीज़ सुननी है जो हमें अच्छी लगती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी लगे या ना लगे, आपने सच्चाई सुनना है। जो बंदे जिंदगी में कुछ करने के लिए तैयार हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो दूसरे बंदे का वो सुनते हैं, दूसरे बंदे को सुनते हैं और दूसरे बंदे को से सीखते हैं और अपने आप को हमेशा बदलने के लिए तैयार रहते हैं। यदि आप अपने आप को बदलोगे भी नहीं तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। आपने सीखते रहना है और अपने आप को बदलते रहने के लिए तैयार रखना है। यदि आप बदलते रहने के लिए तैयार रहोगे तो ही आप पुरानी पोजीशन से नई पोजीशन पर आओगे। पहले भी एक कहानी मैं सुना चुका हूँ, विष्णु जी ने किसी देवता को श्राप दे दिया था 12 साल के लिए कि तू सूर की जूनी में पड़ेगा।
और सूर की जुन्नी में पड़ने के बाद जब उसने उसके टाइम पूरा हो गया तो उसको वहां से लेने के लिए जब भेजा गया तो वो सूर गिड़गिड़ाने लगा कि मैं यहीं ठीक हूं क्योंकि यहां मेरे बच्चे हैं, यहां मेरी घरवाली है, मैं यहीं ठीक हूं। तो वो वहीं पर रहने के लिए तैयार था जहां वो गंदगी में रह रहा है। भाई आपने जहां भी आप पैदा हुए हो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप वहीं मरोगे तो 100% आपकी गलती रहेगी। सो आपने यदि सक्सेसफुल बनना है तो इन बातों का ध्यान रखना है। ये बातें आपको डेली लाइफ में काम आने वाली बातें, सिंपल बातें हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको समझना है। दोस्तों आज के लिए इतने, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, और कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो ताकि कोई अच्छी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। आप सीखते जाएं, पढ़ते जाएं, सीखने के लिए तैयार रहें, अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहें तो कामयाबी आपके पैरों में होगी। आज के लिए इतने, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपका दोस्त आपका होस्ट राजवंत सिंह मोहाली। थैंक यू।